सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री करमिंद जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि महाराज की जय। वही समय सनातन जय धर्म की जय। बहुत बढ़िया। आज दिखाई दे रहा है कि जो हमारी शिष्या है रोज क्लास में अटेंड करती है सो संपदा जैन मुकेश जैन, आज उनके घर पर दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। मेरा मुकेश संपदा जैन संपूर्ण परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद। पिछले वर्ष जब हमारा चतुर्मास 2018 में नागपुर में हुआ तब नागपुर चतुर्मास की धर्मतीर्थ कलश का सौभाग्य मुकेश भैया ने प्राप्त किया और अपने मित्रों के साथ में रत्न आराधना का प्रकाशन भी करवाया। और हर रविवार को मुकेश के द्वारा शांतर लगातार चल रही है। मुकेश संपदा रिया जिया जैन परिवार संपूर्ण परिवार, और आज वो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। मेरा संपूर्ण परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मुकेश जी को, संपदा को। संपदा रोज क्लास अटेंड करती है और रोज शाम की साधना में सुबह के प्रवचन में बराबर रहती है। मुकेश भैया थोड़े नहीं दिखते हैं, थोड़े से मुकेश भैया प्रवचन में नहीं दिखते हैं, क्लास में तो नहीं दिखते, प्रवचन में, सुबह के प्रवचन में आप दिखते नहीं मुकेश भैया। सुबह का प्रवचन एबसेंट, शाम को गुरुभक्ति आपने मुकेश भैया एबसेंट, कहीं दिखते नहीं। संपदा बराबर मिलती है और कभी 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 रिया कभी जिया साथ में आकर के बैठ जाती है, परमानेंट नहीं है ये लोग, जबकि रोज इन लोग के लिए विद्या प्राप्ति मंत्र का जाप हो रहा है। तो आप सब लोग पूरे परिवार के साथ में बैठिए, आप देखिए साहूजी समाज के अंदर कितने परिवार हैं जो एक साथ में 12-15 लोग साथ बैठ करके वो लोग करते हैं। शाम कम से कम शाम को एक संत इकट्ठे हो जाएगी। बन पड़े सुबह पहुंच में आप लाभ लीजिए, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद करिए, दीप प्रज्वलन कीजिए, पूरे परिवार को आशीर्वाद। हे धर्म सूर्य तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। नहीं बोलते, बहुत बढ़िया। जय बोलो श्री महासमय आचार्य गुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया, अच्छा दीप प्रज्वलन आपने किया है, मेरा संपूर्ण परिवार के लिए आशीर्वाद। हम लोग छठे अध्याय की ओर चल रहे हैं और छठे अध्याय में कल हम लोगों ने पढ़ा था इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कर्मों का जो आश्रय होता है वह जैसे जैसे आपके भाव होते हैं उस प्रकार से होता है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव अधिकरण विशेष से उसमें विशेषता आती है, कल अपने पढ़ा था। और जो अधिकरण है वो अधिकरण किस प्रकार का होता है वो आज यहाँ पर इसमें आने वाला है अगले सूत्र के अंतर्गत। आप सभी निकाल लीजिए, हमारे साथ बोलिए। सूत्र नंबर है 7, अधिकरणम जीवा जीवा अधिकरणम जीवा जीवा। मतलब अधिकरण जो है वो दो प्रकार का है, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ अधिकृत किए जाते हैं वह द्रव्य अधिकरण है, अथवा जिस द्रव्य का आश्रय लेकर आश्रय होता है वह द्रव्य अधिकरण कहलाता है। उसमें जीव अधिकरण जो आश्रय मुख्य भूत जीव के द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात जिस आश्रय में जीव की मुख्यता होती है उसे जीवाधिकरण कहते हैं, और जिस आश्रम में अजीव की मुख्यता होती है उसे अजीव अधिकरण कहते हैं। ठीक है, जीव और अजीव दोनों ही अधिकरण बन जाते हैं। इनसे शुभ आश्रम भी हो सकता है, अशुभ आश्रम भी हो सकता है, दोनों करण बन सकते हैं। हाँ, अजीव से तो होता ही है, अजीव के माध्यम से होता है। अब जैसे आपने टीवी को देखा, पिक्चर आप देख रहे हैं,
कोई सीरियल धारावाहिक देख रहे और धारावाहिक जो चल रहा है, मान लीजिए धार्मिक के सामने टीवी पर एक आचार्य का प्रवचन आ रहा है, तो प्रवचन सुनते हुए आपका जो होगा वो एक अजीब भी है और जीव भी। इसमें भावना भाई वंदना साहू जी ने अवश्य करेंगे। कृतिका लल्ले साहू जी के स्वास्थ्य के लिए कर शांत धारा, मेरा अभी से उसको आशीर्वाद। कृतिका एकदम पूर्णतया स्वस्थ रहे, सुखी हो, मेरा उसको निरोगी होने के लिए आशीर्वाद। महाभवो मुनिषि हमारे विनय गुप्त जी ने पूछा कि अजीव के माध्यम से कैसे अशुभ का आश्रय हो जाता है। तो ये सामने जो आपके सामने जूम चल रहा है अथवा टीवी लगी हुई है, तो टीवी तो अजीव है, पर टीवी के अंदर जो कार्यक्रम आ रहा है वो जीव के माध्यम से आ रहा है, पर है टीवी अजीव। तो इसी टीवी के ऊपर जब आप किसी गुरु की वाणी सुनते, स्वाध्याय सुनते, तो स्वाध्याय सुनते हुए आप क्या होगा, शुभ का आश्रय होगा, शुभ भावनाएं बनेंगी, पुण्य का आश्रय होगा। और इसी पिक्चर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप अन्य प्रकार का देखते हैं, कोई फाइटिंग झगड़ा देखते हैं, कोई रागद्वेष क्रियाएं देखते हैं, तो उसके माध्यम जो परिणाम होता है अशुभ का आश्रय हो जाएगा, है ना। तो अधिकरणम जीवा जीवा, जीव अधिकरण, जीव के माध्यम से भी शुभ शुभ का आश्रय होता है और अजीव के माध्यम से शुभ शुभ का आश्रय हो जाता है। बिल्कुल हाँ, उसमें जीवाधिकरण का कैसे होता है आगे इसमें आ रहा है। तो दोनों आश्रय मतलब अधिकरण में पहले आपने पढ़ा था तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, ये भाव हो गए, और अधिकरण और वीर्य विशेष। तो अधिकरण में दो अधिकरण है, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। उसमें जीव के माध्यम से होने वाला जो राग द्वेष आदि है, अब जैसे गुरु आपके लिए जीव अधिकरण है और गुरु के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, वैराग्य मिल रहा है, जिसके द्वारा आप जो है शुभाशुभ कर रहे हैं, और शत्रु सामने खड़ा हो जाए उसको देख करके मन में आपके राग द्वेष आ रहा है, कषाय क्लेश आ रहा है, तो उसमें अशुभ आश्रय भी कर सकता है जी, है ना। ऐसी अजीव अधिकरण में अजीब को देख करके भी, जैसे आप कहीं गए और चोर आया मंदिर में, तो चोर मंदिर में आता है, मंदिर में आकर के जिन प्रतिमा को देखकर चुराने के भाव आते हैं, तो भगवान तो कर्म काटने के लिए कारण है, पर चोर वहां क्या कर रहा है, कर्म बंद कर रहा है, किसके माध्यम से, अजीव अधिकरण, क्योंकि प्रतिमा है वो, भगवान नहीं है। छत्र दिखलाई दिया, सोने का छत्र है वगैरह वगैरह, उसको देखकर चुराने के भाव, चुरा लिया उसने, तो इस अजीव अधिकरण के माध्यम से उसने पाप का आश्रय किया है। और जितने भक्त मंदिर में आ रहे, यदि भक्ति से खड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तो पुण्य का आश्रय करेंगे, और मंदिर में खड़े होकर के उसी निमित्त राग द्वेष खड़ा हो गया आपको, हो जाता है कि मंदिर यहाँ क्यों बन रहा है, मंदिर यहाँ क्यों बनाया जा रहा है, अथवा मंदिर में गए स्थान के लिए झगड़ा हो गया, मैं यहाँ बैठता था यहाँ कैसे बैठ गया था, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ। अभिषेक के लिए आप जाते हैं, अभिषेक आप टाइम से जाते हैं, 5 मिनट आप लेट हो गए, उस समय पर अभिषेक शुरू हो गया, मन में संकलेश आ गया, देखो 5 मिनट रुक भी नहीं पाए, मैं रोज आता हूँ। तो नाना प्रकार से अधिकरण के माध्यम से जीव जो है वह आश्रय करता है, शुभ भी कर सकता है, अशुभ भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। इसका स्क्रीन शेयर करो भैया, प्रिंटी आगे जो चार्ट अपने चल रहे हैं इसके अंदर में, बहुत सुंदर सुंदर चार्ट इसमें आए हुए हैं, तो वो आगे अपना चलेगा अगला सूत्र में, जीवाधिकरण में। ये अभी हमारा आ रहा है अगला सूत्र, आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषेश त्रिश 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 चतुश्चय कषाह। आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषेश त्रिश 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 चतुश्चय कषाह। तो इस तरह से ये जीव के अधिकरण आद्यम मतलब आदि का जीवाधिकरण है, तो जीवाधिकरण में समरंभ समारंभ आरंभ मन योग वचन योग काय योग कृत कार्य तनुमोदना
और कषाय विशेष के द्वारा इसमें 108 प्रकार का आश्रय होता है जीवाधिकरण से। उसमें समरंभ समारंभ आरंभ तीन, मन वचन काय तीन, कृत कारित अनुमोदना तीन और कषाय चार, क्रोध मान माया लोभ चार। तो ये इनको आपस में गुणा करने पर समरंभ मतलब क्या है, प्लानिंग करना, प्रयत्न विशेष समरंभ कार्य करने के लिए प्लान बनाया। जैसे चार पांच मित्रों ने सोचा कि चलो आज छुट्टी है, आज जुआ खेलते हैं, तो प्लान किया कहाँ करना। अथवा चार पांच दोस्त मिले, छुट्टी है, चलो आज होटल में जाएंगे, मजा करेंगे, ये प्लान चार दोस्तों ने बनाया, ये समरंभ हो गया। फिर आपस में एक दूसरे को फोन किया, व्यवस्था लगाई भी कहाँ जाना है, ये समारंभ हो गया। और वहां चल पड़े होटल की ओर, होटल चले गए, कार्य आरंभ कर दिया, तो ये आरंभ हो गया, समरंभ समारंभ आरंभ। ये समरंभ समारंभ आरंभ जो है ये अशुभ कार्यों में लगता है, हिंसा आदि साधन एकत्रित करना, फिर उसको स्टार्ट कर देना, ये समरंभ समारंभ, ये तीन हो गए। फिर ये किससे होते हैं, तो पहले व्यक्ति मन से प्लान करता है, मन समरंभ, वचन से बोलता वचन समरंभ, काय से एक्टिव मतलब क्रियाएं करता है काय समरंभ, फिर मन समारंभ, वचन समारंभ, काय समारंभ, फिर मन आरंभ, मन से आरंभ किया, फिर वचन से आरंभ किया और काय से आरंभ किया, है ना। तो इस तरह से तीन को तीन से गुणा करने पर कितना हो गया, ये नौ हो गया, समरंभ समारंभ आरंभ तीन, और उसको मन वचन काय से जोड़ा तो तीन तिया नौ हो गया। फिर उसके बाद में वो स्वयं करता है, दूसरों से कराता है, करने वाले की अनुमोदना करता है। स्वयं करना कृत है, दूसरों के द्वारा करना कारित है, और करने वाले की स्वीकृति देना, अनुमोदना करना अनुमत है। तो ये इसमें नौ में और तीन गुणा कर दिया, कितना हो गया, 27 हो गया। और जब भी पाप करता है तो पाप करने में हमेशा कोई ना कोई कषाय का उदय होता है, क्रोध कषाय हो अथवा मान कषाय हो या माया हो चाहे लोग। तो 27 चार से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 108। इस तरह से जो जीवाधिकरण है या आश्रव के जीव के माध्यम से 108 आश्रव के भेद हो जाते हैं। है? हाँ, माला क्यों फेरते हैं, क्योंकि जो आरंभ होता है वो 108 प्रकार से आश्रय होता है, 108 प्रकार से पाप का आश्रय होता है। तो इसके कारण से यहाँ पर उसको 108 होने से पाप 108 प्रकार का, इसलिए जाप भी 108 प्रकार का। देखो बहुत अच्छा भंग यहाँ पर दिया हुआ है, 12 भंग बनाए हैं, क्रोध कृत काय संभ्रम, क्रोध मान माया लोभ, उनके कृत चारों कषायों के कृत काय कृत क्राय, फिर कारित में, फिर अनुमोदना में, इस तरह से क्रोध के मान के माया के लोभ के चार कषायों के अंदर घटाने पर इस तरह से पूरे 108 भेद पूरे हो जाते हैं। छह शब्द जो दिया है तो छह शब्द में चार कषायों के अंदर का क्रोध मान माया लोभ को लिया जाता है, और छह शब्द से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुरण, ये चार कषाय दी जाती है। हाँ, तो यदि हम इनको 108 को चार से गुणा कर देवे तो इसके 432 भेद बन जाते हैं। कषाय तो है चार, उसको इन चार से गुणा करने 432 मतलब प्रकार का आश्रय हो जाता है। इसलिए मोटे तौर पर 108 बार मंत्र जाप किया जाता है, क्योंकि पाप 108 प्रकार से होता है, और ये नाना प्रकार के विकल्प यहाँ से घुमाओ वहां से घुमाओ, सबसे अच्छा हाथ से करो, अपने हाथों से जाप करना चाहिए। इसमें देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सीधे हाथ में 9 बार जाप किया, तो यहाँ पर आपने सीधे सीधे हाथों में 1 कर दिया आपने। अब यहाँ पर कितने पर्व हैं, 1, 2, 3, 6, 9 और 12, तो 12 को 900 गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा।
सीधा यू भी कर सकते हो अथवा इसी के अंदर आप स्वस्तिक बना सकते हो, एक दो तीन, ये स्वस्तिक का एक लाइन बन गया, फिर दूसरा स्वस्तिक बजा ये बन गई, तीसरा ये नौ हो गया और ये तीसरा ये बारह हो गया, फिर स्वस्तिक बिल्कुल ओम बनाओ, स्वस्तिक बनाओ। तो इसके माध्यम से हाथों से जाप करना सर्वश्रेष्ठ, अपने हाथ जगन्नाथ, हाँ कैसे भी ले लो, मेन मन का जाप होना चाहिए। आपका मन उद्देश्य है जाप, और जब भी प्रायश्चित किया जाता है तो प्रायश्चित में जो जाप किया जाता है वो नमोकार मंत्र का ही प्रायश्चित किया जाता है जाप। हाँ ध्यान रखना, अकेले ओम ओम कर लिया, अरंत सिद्ध कर लिया, अरम अरम कर लिया तो नहीं चलेगा। पूरा नमोकार मंत्र बोलकर 108 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे तब जाकर एक माला का प्रायश्चित होगा, नहीं तो बोले हाँ माला मिली है ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः कर दिया सीधा, इस तरह से नहीं चलता है। जीवाधिकरण के इस तरह से 108 भेद बन गए। समरंभ समझ में आ गया कि स्वयं उसका प्लान करना समरंभ हो गया, उसकी व्यवस्था को जुटाना समारंभ है, काम शुरू कर देना आरंभ। फिर ये किससे होता है, तो ये आदमी जो करता है वो स्वयं भी करता है, दूसरों से कराता है, करने वाले का अनुमोदन करता है, और मन से भी करता है, वचन से भी करता है, काय से भी करता है, तीनों से करता है ना। और फिर जब भी करता है तो कभी क्रोध से करता है, कभी मान से करता है, कभी मायाचारी कभी लोभ से करता है, तो इनको सबको आपस में गुणा करने पर 108 प्रकार से कर्मों का आश्रय होता है। और यदि हम इसको और चार से मल्टीप्लाई कर देवे, अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुरण, सोने या चांदी की माला से जाप करने का फल ज्यादा मिलता है क्या, या कमल गट्टे की माला से जाप करने में चाहिए क्या। देखिए मैंने बताया अभी कि सबसे श्रेष्ठ जाप है अपने हाथों का, अपने हाथ से किया गया जाप सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ नंबर एक, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर ये सारे विकल्प हैं कि सोने की माला हो, चांदी की माला हो, रत्न की माला हो, रत्न की माला भी होती है, हाँ कई लोग मुंगा रत्न से माला फेरते हैं, कोई पन्ना से फेरते हैं, कोई पुखराज से फेरते हैं, कोई माणिक रत्न से माला जाप करते हैं, तो जो जिसके पास मिल जाए। और कई लोग जो है वो सूत्रधारी की माला फेरते हैं, किसी कन्या ने कुमारी कन्या ने सूत से माला बनाई हो उसकी माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कमल गट्टे की माला का जाप जो है वो कई जगह ऐसा आया हुआ है कि डिप्रेशन उच्चारण के लिए कमल गट्टे की माला का जाप करते हैं। शांति चाहिए तो शांति के लिए आपको बहुत बढ़िया आशीर्वाद, आज तो ललित भैया स्वाध्याय के अंदर भी हमारे पास में आ गए, बहुत बढ़िया। और सभी लोग स्वाध्याय ऐसे डिवाइस पर अनेक अलग लोग हैं यहाँ पर। अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान का मतलब क्या है, संजुरण का क्या मतलब है, ये भी सब आने वाला है, फिर भी आपने पूछा है तो बता देता हूं मैं आपको कि ऐसी कषाय, आपको क्रोध आया और क्रोध ऐसा क्रोध आया कि आपका क्रोध छूट ही नहीं रहा है, आप उसके पीछे धर्म को छोड़ने को तैयार हैं, गुरु को छोड़ने को तैयार हैं, जिनवाणी को छोड़ने को तैयार हैं, परंतु कषाय छोड़ने को तैयार नहीं है, समय तो छोड़ने को तैयार हैं, वो अनंतानुबंधी कषाय, ऐसी कषाय जो अनंत भव तक साथ में चले वो अनंतानुबंधी, और ये कषाय का उदय होने पर जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिस कषाय के उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो सके, जो सम्यक में बाधक हो उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, अनंतानुबंधी कषाय। और अप्रत्याख्यान कषाय, अनंतानुबंधी का क्षयोपशम कर लिया तो अनंतानुबंधी क्षयोपशम होने पर सम्यक दर्शन हो जाएगा, परंतु अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है, मतलब जिस कषाय के उदय होने पर अल्प भी प्रत्याख्यान ना हो, त्याग ना हो, वृहत नियम संयम की भावना ना बने, मैं कहूं भाई आप 5 अनुव्रत ले लो, नहीं मेरी मेरी शक्ति नहीं है, आपसे कहा जाए कि भाई तुमने शादी की है
अपने पति में संतोष करो या इस पुरुष का अपनी स्त्री में संतोष करो, तो यहां वह देखता है नियम लेने में संकोच कर रहा है। यदि संकोच भावना तुम्हारी बन रही है, जबकि अपनी पत्नी में संतोष करना है, कहीं जाना नहीं है, फिर भी नियम नहीं ले पा रहा है, नियम की भावना नहीं बन रही है, तो आपके अप्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है कि अल्प भी प्रत्याख्यान नहीं हो पा रहा है। रात में सोकर कोई नहीं खाता है, खाता कोई सोने के बाद में? पर बोले रात में त्याग कर दो, मैं खाऊंगा नहीं पर नियम नहीं लूंगा। तो नियम नहीं ले रहा मतलब तेरे अभी अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है, और जिस दिन भावना बन गई कि हाँ मेरे आज से रात्रि भोजन का त्याग है, अब मैं पानी छान कर ही पीऊंगा, अब मैं संयम का पालन करूंगा, अपनी पत्नी में भी संतोष रखते हुए नियम का पालन करूंगा, अष्टमी 14 10 लक्षण 16 कारण अष्टानी का आदि दिनों के अंदर में संयम का पालन करना, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी बन जावे, तो ये अप्रत्याख्यान का शोक्षम बनता है, तब ये प्रत्याख्यान के भाव होते हैं। मतलब जिस कषाय के उदय से संयुक्त ना हो वो कषाय कहलाती है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये संसार में अनंत काल तक रुलाता है, और अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी यदि गया तो अप्रत्याख्यान सामने खड़ा हो जाता है, वरना अनंतानुबंधी इतनी खतरनाक है कि दूसरी कषाय को आने नहीं देती हो। अनंतानुबंधी में अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान संयम सब उसके अंदर है। अनंतानुबंधी जाएगी तो अप्रत्याख्यान आएगी, और अप्रत्याख्यान के होने पर अल्प भी प्रत्याख्यान नहीं होगा। अप्रत्याख्यान मतलब जिसके निमित्त से त्याग ना हो पाए, प्रत्याख्यान ना हो, बोलते अप्रत्याख्यान। और ऐसी कषाय का उदय कहाँ होता है? उदय होता है चौथे गुण स्थान में। समझ में आ रहा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहाँ रहती है? पहले गुण स्थान में। किसी की थोड़ी सी बात पर आपको आत्महत्या के परिणाम आ रहे हैं, स्वयं मरने के परिणाम आ रहे हैं, या दूसरे को जान से मारने के परिणाम आ रहे हैं, तो जानना कि आप अनंतानुबंधी की शरण में हो, उसके प्रभाव में हो। खूब गुरु समझा रहे हैं आपको, खूब बता रहे हैं, पर बताने के बावजूद भी हम सब जगह पर जा रहे हैं, जिन मंदिर भी आते हैं अन्य मंदिर में जाते हैं। दिगंबर जैन गुरु आए उनको भी ठोक दे दिया, और दूसरे आए तो उनको भी ठोक दे दिया। रात में सोने के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, सपने में खा रहे हो तो नियम में दोष लगता है क्या? नहीं। सपने में खाने में आ गया तो उसका भी प्रायश्चित किया जाता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रतिकरण के तहत पड़क मामी बनते सुमृंदी आए सोते हुए, तो इसलिए ऐसा नहीं कि दोष नहीं लगता, कदाचित दोष लगता है। निद्रा व शयन कराई, सपने में दोष लगाई, सपने में दोष लग जाते हैं। तो आपने खाया तो नहीं है, रात के नियम का लिया है, लेकिन रात्रि में यदि सपने में आप खाना पीना देखते हैं उसका भी दोष लगता है, उसका प्रायश्चित एक कायसर होता है। नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर उसका त्याग होने पर आपको प्रायश्चित हो जाता है। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का उदय कराती है। अनंतानुबंधी के सद्भाव में समय दर्शन नहीं हो सकता, और अप्रत्याख्यान के सद्भाव में अल्प प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। ये आज क्यों नहीं है? आज मोक्षास्त्र में नहीं है। मेरा पंडित जी देखो, और तीसरी प्रत्याख्यान, जिस कषाय के उदय पर होने पर प्रत्याख्यान तो होगा लेकिन पूर्ण प्रत्याख्यान नहीं होगा, उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ, इसको आवरण कहा है। अब प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण फिर संज्वलन। अनंतानुबंधी, आपने पूछा बहुत अच्छा विषय है, बता दे रहा हूं आपको, हालांकि आगे आने वाला है। अनंतानुबंधी होगी तो समय दर्शन नहीं होगा, और जिस कषाय के उदय पर अल्प भी प्रत्याख्यान ना हो, छोटा सा भी नियम ना ले पाए, वो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। ये कषाय कहां होती है? ये होती है चौथे गुण स्थान। अप्रत्याख्यान है मतलब समय दर्शी तो हो गया है पर प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा है,
और उसके आगे जब बढ़ता है तब प्रत्याख्यान भी है और अप्रत्याख्यान भी है। पूर्ण प्रत्याख्यान नहीं है जिसके कथाई को बोलते प्रत्याख्यान वर्णी, और ऐसी कथा किसको होती है वो पंचम गुण स्थान में होती है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, फिर चौथी कषाय संजुरण कषाय होती है। तो अनंतानुबंधी का क्षयोक्षम किया, अप्रत्याख्यान का क्षयोक्षम किया और प्रत्याख्यान का क्षयोक्षम किया, उसके क्षयोक्षम होने पर इसका क्षयोक्षम कर लिया तो उसके बाद में आता है संजुरण कषाय। तो वो जो कषाय होती है संजुरण कषाय, वो जो होती है वो दिगंबर मुनियों को होती है, ध्यान रखना। आरिका माता जी को भी नहीं होगी, एलक चिलक चुलिका जी को भी नहीं होगी। यदि होगी संजरण कषाय तो मात्र मुनिराजों को होती है, और वो कषाय संजलन मतलब वो आत्मा को कुछ कुछ जलाती है। जब तक संजरण कषाय का उदय रहेगा तब तक मुनिराज को मतलब मुनि तो रहेंगे क्योंकि उन्होंने उन्होंने अनंतानुबंधी का शुभ शुभ कर लिया, ठीक है, इसलिए संयुक्त दर्शन हो गया। अब प्रत्याख्यान का शुभ शुभ किया इसलिए व्रत की ओर बढ़ गए, प्रत्याख्यान का शुभ शुभ किया इसलिए महाव्रती बन गए। पर महाव्रती बनने के बाद भी संजुरण कषाय का उदय है, जब तक उदय रहेगा तब तक उनको यथाख्याचित प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जब तक उनके संजुरण कषाय का उदय रहेगा तब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उसे संजुरण कषाय कहते हैं। जिस कषाय के उदय होने पर जीव को पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो उसे संजुरण कषाय कहते हैं। लेकिन वो कषाय कितनी रहती है संजुरण कषाय, तो उसकी डिग्री बताई हुई है। एक रेखा होती है पानी में खींची रेखा, तो जिसको मुनिराज क्रोध आया पर कितना पानी में आप लाइन खींचिए क्या होगा रेखा खींचने पर, खींचते ही मिट जाएगी। तो अंतर मुहूर्त में जिनकी परिणाम शांत हो जाए वो संजुरण कषाय। फिर दूसरी रेखा होती है धूली रेखा, धूल पर खींची रेखा, वो किसको होगी देशव्रती को, थोड़ी देर रहेगी धूल में रेखा, आप खींच दो लाइन बना दो धूल के अंदर में थोड़ी देर रहेगी हवा चली तो वापस वो रेखा मिट जाएगी। तीसरी रेखा होती है मिट्टी में खींची रेखा, मिट्टी में रेखा खींच दी तो होगी अविरत समय दृष्टि को, धूलि में रेखा देशव्रती को, पानी में रेखा महाव्रती को, पानी में रेखा महाव्रती की है, धूलि में रेखा देशव्रती की है, मिट्टी में रेखा अविरत समय दृष्टि की है, और चौथी लाइन खींची गई पत्थर पर। पत्थर पर जो लाइन खींची जाती है टंकोत्कीर्ण, टांग दिया उसको खोद के बनाई जाती है, और पत्थर में खींची रेखा कभी नहीं मिट पाती, पत्थर घिसेगा तभी मिटेगा। तो ऐसी जो कषाय होती है वो अनंतानुबंधी कषाय मिथ्या दृष्टि को होती है। छोटी सी बात पर युगों सदियों सदियों झगड़े चल रहे हैं, सालों सालों नहीं बोल रहे हैं, छह महीने से अधिक कषाय चले तो वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो जाता है। माध्यस्थ होना कषाय नहीं है, पर वैर भाव रखना, उसका बुरा सोचना, हित करना, इस पर लगे रहना, तब जाकर उसको पाप का बंद होगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, तीव्र कषाय होगी तो नरक का बंद होगा। अनंतानुबंधी है पर कषाय मंद है, तो मंद कषाय होने पर नरक का बंद नहीं होगा। अनंतानुबंधी मंद कषाय होती है, अनंतानुबंधी कषाय में तीव्रता भी होती है, मध्यम भी होती है, मंद भी होती है। जब मंद कषाय अनंतानुबंधी होगी, बिल्कुल अतिशय मंद हो जाएगी, तभी कोई नवग्रह में जाएगा अभिमित्त दृष्टि। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को जाए, कई निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। उसका अर्थ क्या है कि मुनिव्रत को धारण किया तो मुनिव्रत कब आते हैं, जब कषाय बहुत मंद हो तब मुनिव्रत होते हैं, और बहुत उत्कृष्ट चरित्र परंतु आत्मज्ञान नहीं हुआ, समय दृश्य नहीं हुआ, तो वो चरित्र पालन करने वाले अनंतानुबंधी है उनको, पर बहुत मंद है, तो ऐसी मंद लेशिया से मंद कषाय से वो नवग्रह में चले जाते हैं, है ना। अनंतानुबंधी एकदम तीव्र ही हो ऐसा नहीं है, अनंतानुबंधी के भी अनंत भेद हैं, ध्यान रखना। अनंतानुबंधी के अनंत भेद हैं,
अप्रत्याख्यानावरणी के असंख्यात भेद हैं, प्रत्याख्यानावरणी के असंख्यात भेद हैं और संजुरण के संख्यात भेद हैं। ये अंतर है, समझे? देखिए, अभी तो पहली बात यह है कि पंचम काल में जो भी मुनिराज साधना करेंगे, आरिका माता जी है, छुलक छुलिका शाव शाविकाएं हैं, कितनी भी साधना कर लें तो मैक्सिमम जो है उसको आठवें स्वर्ग से ऊपर नहीं। हाँ, समाधि के समय यदि चेतना जागृत रहे, गाफिल नहीं हुआ, धर्मात्मा जगाते रहे, उपदेश देते रहे, प्रेरणा जगती रही उसकी, तो धर्मात्मा के होने पर सावचेत रहा, तो समाधि के अंतिम समय तक भी उसके जो है यदि मुनिराज छठगुण स्थान उसको हो सकता है। बिल्कुल छठगुण स्थान रहेगा उसका। जिस समय प्राण छूटेंगे तो प्राण छूटने पर देव पर्याय में जाएंगे, देव पर्याय में जाते हुए उनका फिर गुणस्थान चौथा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक मुनि अवस्था है, महाव्रत है, तब तक उनका जो है वो छठा गुण स्थान हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। बिल्कुल स्वर्ग स्थान पर मत में आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समाधि में खाली नहीं रहता। नहीं नहीं, यदि सावधान है, ये एकांत हो जाएगा। जी सावधान है, सावचेत है, उपदेश मिल रहा है और बिल्कुल सावधान है, पंच प्रविष्टि का ध्यान लगा हुआ है, त्याग की भावनाएं चल रही है, तो जरूरी नहीं कि वो मतलब पहले में आ जाए। ठीक है, सब रहता बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर की बीमारी होने पर भी सावधानी बनी रहती है, सावचेत रहते हैं। हाँ, आप क्या जानते हो, बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय माता जी, एक तरह से लीवर कैंसर ही था, जरूरत था उनको, हेपेटाइटिस बी एंटीजन को हो गया था और मतलब खून का पानी हो रहा था, लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर भी जब उनको सोडियम पोटेशियम कम होता गया, अटैक आते गए, वेन पर कंट्रोल नहीं था उनका, पहले भी जब बीपी का अटैक उनको आया था किडनी फेल होते समय, तब भी वो सावचेत थे, और बाद में भी जब उनको समय आया तब भी सावचेत थे। उनको आंख से दिख नहीं रहा है, अटैक आ रहे हैं, हाथ में कांप रहा, उसके बावजूद भी जब वैद्यवाही वहां पर आई तो उनको उन्होंने लिख करके दिया, मेरी नाड़ी देखो, मुझे समाधि लेना है। अब समाधि लेने के जो भाव चल रहे हैं और मुश्किल से समय नहीं बचाओ बिल्कुल, तो भी चेतना उनकी बनी हुई, फिर क्या आप क्या करोगे? और आचार्य सुबोध सागर जी को हमने देखा है, आखिरी समय तक भगवान के दर्शन किए, चरण छुए दर्शन किए, और दो दिन पहले स्वयं लिख करके दिया उन्होंने कि मैं आज से यम संलेखना ले रहा हूं, मेरे अब से जल पानी का सबका त्याग है, ऐसा लिख कर दिया। फिर बताओ आप क्या करोगे उसको? पांच मिनट बोलो, तो ऐसा नहीं है, कैंसर होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है। स्वयं हमारे आस्था श्री माता जी, क्षमा श्री माता जी वहां पर थे अर्जुनवाड़ी के अंदर, अर्जुनवाड़ में, और मैं शेडवाल समाधि के लिए गया था, वहां पर एक बाबा जी थे जो कि मतलब वो उनका धंधा ही मनी लैंड का था, ब्याज बट्टे का, कभी जीवन मंदिर नहीं गया, जीवन में कभी मंदिर नहीं गया, लेकिन मैंने कहा कि भाई इनका यदि मरण अच्छा करना है, समाधि मरण, तो इनका जो है सिर उत्तर दिशा में कर दो। सिर उत्तर में करवाया, पैर दक्षिण में करा दिए। एक दिन शाम को माता जी पूछ के आती हैं कि बाबा दीक्षा ले लो, मुनि बन जाओ, तो नहीं बोलते। अगले दिन फिर दर्शन करने जाते हैं, वो ऐसा घर था कि हम लोग को घर के अंदर से होकर दर्शन करने मंदिर में जाना पड़ता था। तो फिर माता जी गए और सोए कुछ, बाबा जी कुछ विचार है, मुनि बनना है? बोले हाँ बनना है। पीछे लोगे? बोले हाँ लेंगे। अभी दे दें? बोले हाँ दे दो। ऐसी चेतना, और उसी चेतना के साथ में माता जी ने उनके परिवार के लोगों से उनके पूरे कपड़े निकलवाए, कैंसर हुआ है, उनकी पत्नी अकेली थी, पति पत्नी अकेले थे, कपड़े निकाले, और कपड़े निकालने के पश्चात
यहाँ पीछे सामने थी तो माता जी ने रक्षमाशी माता जी ने उनको पीछे दी और मंत्र के कि गुरुदेव ने बताया वैसे उन्होंने मुनिव्रत के संस्कार किए और मुनिव्रत उन्होंने लिए और मुनिव्रत लेकर के माता जी कितने समय रहे उसके बाद में कितना देर फिर भी मुनि दीक्षा हुई मंत्र सुनाते गए और मंत्र सुनते सुनते इतने समाधि ग्रहण हो गया उनका। बाबा जी कैंसर था, कैंसर ब्लड कैंसर था उनको और उसके बावजूद भी अंत समय के अंदर में जिस व्यक्ति ने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए जबकि घर से निकल करके पहला मंदिर आता है तो मंदिर के दर्शन नहीं किए परंतु दिशा चेंज होने पर और आशीर्वाद होने पर उसका संसार अल्प होगा। बिल्कुल, इसलिए जिसकी समाधि का समय आता आखिरी में तो उसको घर के वायव्य घर में रखना, वायव्य कोपरे में रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दिशाओं से दशा चेंज हो जाती है और वायव्य में रखा जाए और सिर उत्तर में किया जाए फिर दक्षिण में किया जाए तो मरने वाले की वेदना बहुत कम हो जाती है और प्राण उसके प्राण जो है सुख शांति से निकलते हैं और नियम धर्म की भावनाएं बन जाती है, उत्तरोत्तर उसके परिणाम त्याग के बनते जाए। कब आखिरी समय आया? तब जब संथारा लिया तभी उत्तर में सिर करना, बाकी स्वस्थ व्यक्ति को कभी उत्तर में सिर करके नहीं सोना चाहिए। हाँ स्वस्थ हो तो आपका सिर दक्षिण या पश्चिम में ही होना चाहिए, उत्तर में से करके सोएंगे तो आपको नाना प्रकार के अपशब्द बुरे सपने आएंगे, उन्हें बुरे विकार विचार आएंगे, बुरे विकार आएंगे और बीमारी वगैरह तकलीफ आ जाएगी, आयु घटेगी आपकी उससे। बिल्कुल अपनाए थे बिल्कुल, मुनि महेंद्र गुप्त जी, महेंद्र सोनी जी, एक रात पहले दीक्षा हुई है और रात को माला गिन रहे हैं, हमने उनको मुनि दीक्षा दे दी, मुनि बन गए। मुनि बनने के पश्चात ठंड वहां पर थी, परिवार को चटाई उड़ा रहे थे, वो चटाई को हटा रहे थे, चटाई को दूर कर रहे थे, चटाई नहीं ली उन्होंने, सर्दी थी, 2-3 जनवरी का समय था आपका, लेकिन चटाई नहीं ली उन्होंने। हाँ और माला जप रहे हैं, अंत समय आया हुआ है, फिर बताओ आप, आखिरी समय था उनका तो भी चेतना जग गई और भगवान का दर्शन किया, चरण छुए प्रथम भगवान शांतिनाथ के और दर्शन करते ही पर यात्रा को चल पड़े पर लोग यात्रा को। तो ये जो परिणाम है ये जो है सब महाव्रत के परिणाम, मुनि बन गए, दीक्षा ले ली, ग्रहण किए, स्वीकार किए, तो ये सब होता है। जो आपने पूछा है अभी कि खुद सलेखन आश्रम में ले सकते हैं क्या, मुश्किल है, खुद सलेखना बहुत मुश्किल होती है, जो परम दृढ़ वैरागी होते हैं उनके लिए ये हो सकता है। आपने क्या पूछा, मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, ये तो पहले हो चुका है, आपको पहले अध्याय में देख लेना, उसमें सब आ चुका है, मन पर्याय ज्ञान आपको वहां से मिल जाएगा। देशव्रति में कौन आता है, देशव्रति में जिन्होंने प्रतिमा ले ली है, प्रतिमा मतलब भगवान शांतिनाथ ने प्रतिमा नहीं, नहीं तो बोले मेरे तो 24 प्रतिमा है, प्रतिमा मतलब 11 प्रतिमा होती है, दर्शन प्रतिमा कि रोज नियम से देव दर्शन करूंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन उसके बाद ही भोजन करूंगा, भक्ति दर्शन का त्याग है, दर्शन प्रतिमा, ऐसे 11 प्रतिमा होती है, दर्शन व्रत सामायिक रोषदोपास सचित त्याग रात्रिभूति त्याग ब्रह्मचर्य व्रत आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग अनुमति त्याग उद्दिष्ट त्याग, ये 11 प्रतिमा होती है। तो जिनके 11 प्रतिमा है वो देश प्रति में आते हैं, उनको वीरता व्रत कहते हैं, देश प्रति कहते हैं, संयमा संयमन को कहा जाता है, अणुव्रति भी कहा जाता है। इतने छुल्लक जी हैं, छुल्लिका हैं, यदि भाव से बने हैं तो देश प्रति की श्रेणी में आते हैं। आपने इसलिए मैंने कई लोगों को कहा कि आप दर्शन प्रतिमा ले लो कि रोज भगवान का दर्शन नियम से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल,
देश व्रत आप आराम से ले सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। देश व्रती यदि आप बन जाते हैं तो देश व्रती बनने पर यह समझ लीजिए कि आपका सीधा सीधा पंचम गुण स्थान बन जाता है, पांचवा गुण स्थान, और पहले आप देश व्रत का सुन लो। सुभाष जी पूछ रहे हैं कि दीक्षा लेने के लिए गुरुदेव सही समय उचित रहेगा क्या? जब दीक्षा लेनी है तो उसमें उचित अनुचित समय कुछ नहीं होता है। जिस क्षण वैराग्य हो जाए, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाए, वो समय दीक्षा के योग्य है। शनि की दीक्षा बुढ़ापे के अंदर होगी या सारी जिम्मेदारी करके पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि पंचम काल में तो चंद्रगुप्त सम्राट ने जो सपना देखा है उसमें ये देखा है कि जो रथ है उसको बछड़े खींच रहे। उसका अर्थ भद्रभाव स्वामी ने बताया कि पंचम काल में जो बाल्यावस्था के बच्चे युवा किशोर हैं वे ही मुनि बनकर धर्म का झंडा लेकर चलेंगे। और आप देख लीजिए जितने प्राय करके संघ हैं उनमें छोटी उम्र के मुनि ज्यादा हैं, जो 13, 14, 15, 16, 18, 19 वर्ष के अंदर बन जाते हैं, ऐसे बाल्यावस्था के अंदर बनने वाले मुनि ज्यादा हैं, और प्रौढ़ होने वाले बहुत कम हैं, मीडियम होने वाले तो बहुत ही कम है। वैसे ही बचपन से जो लग जाता है वो आगे बढ़ पाता है। जितने बड़े बड़े आचार्य बने हमारे सबने बचपन में ही दीक्षा ग्रहण किए तो उचित पद को प्राप्त किया है। आचार्य पूर्ण सागर जी को देख लीजिए आप, आचार्य विद्यानंद जी को देख लीजिए, आचार्य विद्यासागर जी को देख लीजिए, पुष्प सागर जी को देखिए, सब छोटी उम्र के अंदर ही साधु बने। बिल्कुल, ज्ञान और वैराग्य ऐसी चीज है इसकी कोई उम्र नहीं होती। देश व्रत का मैंने आपको बताया कि पांच प्रकार के अनुव्रत ग्रहण करना, मैं रोज प्रवचन के अंदर बतला रहा हूं कि आप चार प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। तो कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग कर दो तो आपका अहिंसण व्रत हो जाएगा। जो जीव आपका विरोधी नहीं है उसे मारने की भावना लेके आओ, और जो निर्दोष से निरपराध निहत्ता है उस पर वार मत करो, किसी की हत्या के प्रयास मत करो। ये संकल्प हिंसा को छोड़ोगे तो आपका अहिंसण व्रत हो जाएगा। बिल्कुल, जो यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे पास में वो सभी हमारे शिष्य हैं। सुभाष जी खुद के भाव बन रहे हैं, अच्छी बात है, भाव बनाइए और आ जाइए। हमारे पास में सब तरह के साधु हैं, सब ब्रांड में। एक मुनि है मेरे पास में जिन्होंने अभी 16-17 साल में दीक्षा ले ली। एक मुनि मेरे पास में वो हैं जिन्होंने संसार बसाया और बेटे बेटी भी हुए, वो आज 18-20 साल के, उनकी शादी नहीं हुई, बच्चों की शादी नहीं हुई है, लेकिन वैराग्य हो गया वो छोड़कर आ गए। और उनकी पत्नी परावर संवारी वो भी ब्रह्मचारिणी है, हमारे मुनि विनय गुप्त जी हैं, उनकी उम्र भी लगभग मुश्किल से 50 साल के आसपास होगी। हाँ, तो ऐसे भी हैं। और हमारे पास में एक ऐसी माता जी भी हैं जो मात्र 13 साल के अंदर घर से निकल गई, आस्थासी माता जी 13 साल में निकल गए घर से, और आज उनको घर छोड़ करके ही समझ लीजिए लगभग उनको 32 के ऊपर साल हुए, उनको हाँ ज्यादा हो गए क्योंकि 45 की उनकी उम्र है, तो 13 साल में निकल गए तो भी मतलब 32 साल उनको घर छोड़ करके हो गए, है ना माता जी, बराबर है। और हमारे पास है छुलक भी है, छुलिका माता जी एक 70 साल वाली भी है, एक माता जी 86-27 साल की माता जी भी है, एक हमारे बाबा जी 80 साल के हैं और बाबा जी 27 साल के भी हैं। सब तरह के ब्रांड हमारे पास में, छोटे बड़े सब। चंद्रगुप्त जी मुश्किल से हमारे 20 साल में मुनि बन गए थे, सुरेश गुप्त जी 25 साल के अंदर बन गए थे, छोटी उम्र के अंदर बने। जो छोटी उम्र में बन जाते हैं जिनने संसार में कीचड़ नहीं लगाया है और सीधे सीधे यहाँ पर आते हैं उनकी उन्नति और ज्यादा होती है, प्रगति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो उम्र के होने पर साधु नहीं बन सकते, सब बन सकते हैं। आपकी शक्ति जितनी हो, शक्ति हो आप छलक बन के रहें, अधिक शक्ति हो आप मुनि बनकर रहें, ना हो श्रावक बन के रहें, सब तरह हो सकता है। तो पंच अनु व्रत का विषय जो है आगे भी आएगा अपना, फिर भी आपको बता दे रहा हूं मैं, पर समय कितना हो गया तो देखें हम, नहीं समय हो चुका है इसलिए कल बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि फिर अभी 6 बजे फिर अपने को बैठना है अगली मीटिंग के लिए, और मेरा भी गला है भाई, सभी प्रवचन देते अभी करते हैं, फिर अभी बहुत हो गया इतना।
बहुत सारा सुभाष भैया को आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा आशीर्वाद है। आप हमारे ही शिष्य हैं, लगातार आप जुड़े हुए हैं और पूरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं। अभी भी आपने नवरात्रि के 10 दिन के सौदे में रात बने हुए, पूरा 10 दिन आपका विधान चलेगा। सुभाष जी खुद को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। ये जो भक्ति है विधान पूजन, ये जिन भक्ति भी हमारे लिए संयुक्त प्राप्ति में सबसे बड़ा कारण, अपने कल ही पढ़ा था संयुक्त क्रिया के अंतर्गत भगवान की पूजन करना, विधान कराना, अभिषेक कराना, उसमें जो दान करते हैं संयुक्त वृद्धि होती है और अपने अंतराय का निवारण इससे होता है। तो आप कर रहे हैं मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए, नहीं, स्वस्थ व्यक्ति को वायव्य दिशा में शयन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को शयन यदि करना है तो उसको जो स्वस्थ है, घर का मालिक है, उसको घर के नैऋत्य में अथवा दक्षिण या पश्चिम उसको सोना चाहिए। वायु में तो उसको सोना चाहिए जिसको विदाई लेनी हो। जो वायु में सोएगा वो घूमता रहेगा, चक्कर पड़ा रहेगा, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, किसकी उत्तर दिशा, वैसे तो होना चाहिए। हमेशा आपको जो स्वस्थ व्यक्ति हो उस प्रकार सोना चाहिए कि उसका दक्षिण में सिर हो, उत्तर में पैर हो, या पश्चिम में सिर हो, पूर्व में पैर हो, ऐसा स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। और जब डॉक्टर जवाब दे देवे अब समय नहीं बचा हुआ है, अंत समय आ जावे, अथवा 12 साल की संलेखना ली है, संलेखना शुरू हो गई है उसकी, तो समय पर उसको अपना सिर जो है वो उत्तर में करना चाहिए। सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। दलित जी पाटनी, अनुप जी पाटनी, अशोक जी काले, कल्पना अजमेरा और सभी जितने भी यहाँ पर है, संपदा आदि आदि सब लोग, उज्ज्वला गिरणी वाले सबको मेरा आशीर्वाद। यदर्थ मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादा यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वप्नोपलब्धिं शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतसुदाने त्वां वर्तमान समस्त देवी हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहे जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोक आलो सो वाणी मस्तक रो सदा ते तो ढोक देव जो अरिहंत नित गुरु से वो निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म करत निर्माण धर्म पंथ साधे बिना नर्तर्यंच समान पंथ परिहरो मोक्ष पंथ पर गधरो मन नहीं करो निंदा को निवारी है छोड़ो है संसारी संग ध्यान पूरा चुरन सुमति सो करे संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल काटत कर्म बंध नव तत्व धारी है संयम अति करो जप बारह विधि धरो ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे श्री भक्ति नंदी जी को वंदना हमारी है जाप करिए। आज का यूनिक कोड है आपके लिए है 108108, यूनिक कोड 108। पाप 108 होते हैं, उसे छूटने के लिए जाप 108 बार करना होता है, इसलिए 108 जाप का 108 अंक आपका यूनिक कोड है 108। ठीक है, अर्घ चढ़ाइए। हाँ संपदा, मुकेश, रश्मि अर्घ लीजिए। हाँ अर्घ चढ़ाएंगे सभी मिलकर के, आपको भी चढ़ाइए सभी। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया आपका विधान मात भक्ति भाव से किया दिव्य देश ना महान है दिनेश आपकी माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की ओम वाणी माचरणे व्योजन आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर आचार्य कनक नंदी है सद ज्ञान दिवाकर जिन धर्म का टंका बजाना जिनका है धर्म भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागरम जय 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 गुरु देव की जय हो जय गुरु देव की ओम ह्रीम
मोक्ष शास्त्र ग्रंथ कर्ता श्री महास्वामी आचार्य आचार्य शकुंतला आचार्य करण नंदी आदि सर्व अपने संत जनों को जल फलादि वर्णन पावती आचार्य गुरुदार की चढ़ाई आचार्य भक्ति नंदी ने कमाल कर दिया वासल्य दे के सब को मालामाल कर दिया पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुराए आशीर्वाद दीजिए जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की ओम ब्रह्म के अभियाचक भूत शिव निवृत साक्षात विराजमान श्री चंद्रमय महाकेम के प्यार के अंदर को आगे दिए जय बोलो गुरुदेव की जय जय जय। और गुरुदेव यहाँ पर जिन्होंने आज दीप प्रज्वलन किया है उन्होंने धर्मतीर्थ क्षेत्र पर ग्रंथ अभिषेक के लिए भी अपना साल भर के लिए नाम दिया है जिया एवं जिया एवं एक आरिया जिया की तरफ से उन्होंने जिया अभिषेक के लिए नाम दिया है साल भर के लिए। और ऐसे ही कल प्रज्वलन किया था संजय जी पहाड़े नासिक से उन्होंने अध्याय 10 के एग्जाम के लिए जो पारितोष रहेगा उसमें अपना नाम दिया था। बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि आप प्रज्वलन भी कर रहे हैं और अपनी ओर से आप दान भी कर रहे हैं मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और जो नाम दिया अग्रताभिषेक के लिए वार्षिक के लिए आप अपना नाम पहुंचा दे। वैसे आपका मुकेश भैया हर रविवार को आपको जरा महाशांतरा हो रही लगातार ठीक है आशीर्वाद जी गुरुदेव की जय आचार्य संघ सभी गुरु भक्तों को जय।